देखिए दोस्तों कितना खतरनाक मंजर है, करें बहुत बुरा लगा आपके द्वारा एक प्रकार से, मतलब बहुत ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोहित कश्यप सर्प मित्र में। आज का रेस्क्यू कॉल गंगोल ग्राम सभा गोरखपुर के अंतर्गत है। ये भैया हमारे फोन किए थे, कहीं सांप दिखा है। भैया सांप कहाँ दिखा है थोड़ा बता दीजिए आप चल के। वहाँ पे सर ये वहीं पर दिखा था। अच्छा दोस्तों, ये थोड़ा गाय भैंसों को रखने के लिए कुछ एरिया बनाया गया है और यहीं पे कुछ भूसा वूसा पहले रखा गया था। तो इधर ये बता रहे हैं यहाँ पे कहीं होल है, वहीं से सांप दिख रहा है और भाग जा रहा है, दिख रहा है भाग जा रहा है। तो मौके से उसी स्थान पे आ गए हैं, देखते हैं सांप कौन सा है, किस स्थिति में है और कहाँ पे है, क्योंकि खुदाई उदाई करना पड़ सकता है। बहुत मोटी मोटी दीवाले हैं यहाँ पे मिट्टी की, साथ में होल भी है बड़े बड़े, देख सकते हैं। तो इन्हीं होलों के अंदर कहीं सांप हो सकता है। चलिए खुदाई करते हैं, वीडियो बने रहिए, देखते हैं कैसे कैसे सांप निकलता है। लग रहा है दोस्तों होल वहाँ पे काफी बड़ा सा है और मोहित सर देखे हैं तो बहुत ही क्लीन साफ होल है, तो क्लीन होल के अंदर ही सांप बैठे रहते हैं। तो संभावनाएं थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर भी खुदाई कर रहे हैं मोहित सर। क्या कुछ मिला, क्या क्या मिला है? ये जो सांप होता है दोस्तों, इसे वार्म स्नेक के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे तेलिया सांप भी बोलते हैं। इसके बारे में भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि इसका काटा इंसान पानी नहीं मांगता है, ऐसा है। ये पूरी तरीके से झूठ बातें हैं। ये एक बिना जहर वाला सांप है, इसके अंदर कोई भी जहर नहीं पाया जाता और इसकी प्रजाति मतलब लगभग भारत में और ये पूरे देशों में पाए जाते हैं और ये सबसे छोटे सांपों में से एक हैं और काफ़ी ज़्यादा चमकदार साइनेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। वेट दिख गया, सांप दिख गया, सांप दिख गया। तो दोस्तों ये होल जो है, इसी होल के अंदर स्नेक हल्का सा दिखा है। मैं लाइट जलाता हूँ और जूम करता हूँ तो शायद इसके अंदर जो सांप है वो आप लोग को दिखे। तो दोस्तों फाइनली इस होल के अंदर देखिए स्नेक दिख रहा है। दोस्तों अच्छे तरीके से नहीं दिख पा रहा था क्योंकि अंदर सांप चला गया था, तो थोड़ा सा और खुदाई कराते हैं फिर आपको दिखाते हैं। मतलब खुशी इस बात की है कि सांप इसके अंदर दिख गया है। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा और वेट करिए, बस रुक जाइए मोहित सर, दिख गया। सो दोस्तों फाइनली स्नेक जो है, मैं लाइट ऑन करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्नेक है। थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए दोस्तों, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और ब्लैक है, ये ब्लैक कोबरा में आएगा। हाँ तो थोड़ा सा मैं और नज़दीक ले चलता हूँ, बस देखिए दोस्तों कितना खतरनाक मंजर है। मोबाइल बिल्कुल सांप के पास में ले जा करके शूट करना पड़ रहा है, बहुत ही खतरनाक दृश्य है ये। अगर आपको हम इतना खतरनाक वीडियो दिखा रहे हैं या फिर इतना खतरनाक कंटेंट दे रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो, और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। चलिए फाइनली इस सांप को बाहर निकालते हैं किसी तरीके। बस रुकिए, इसे कहते हैं कंटेंट। देखिए दोस्तों कोबरा का अटैक कैसे होता है वो आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको हम दिखा रहे हैं ऐसे कंटेंट, ऐसे क्वालिटी वीडियो, प्लीज और प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से वो सुनने की कोशिश कर रहा है अपने जीभ को निकाल करके, और ऐसा आप कभी भी कोशिश ना करें। कैमरा निकालिए, एक सेकंड सर, थोड़ा सा और हो गया, अंदर चला गया, कैमरा निकालिए ना। तो हमने आपको सांप को बिल्कुल नज़दीक से क्लोजअप शॉट दिखा दिया। चलिए फाइनली निकालते हैं और निकाल करके बाहर ले चलते हैं। वो उसका हेड है, मालूम है। नाउ यू कैन गो। बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, देखिएगा।
ये देखिए दोस्तों मंजर, देख रहे हैं दोस्तों कितना खतरनाक सांप है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है ये। स्पेक्टिकल कोबरा है ब्लैक में, और ये हुड ले चुका है, फोमकार भी मारने की कोशिश कर रहा है। देख सकते हैं मंजर। तो मोहित सर बिल्कुल बरीदा के साथ बाहर ले चलिए, ले चलिए, ले चलिए बाहर ले चलिए। तो दोस्तों फाइनली सांप को रेस्क्यू करके बाहर ला दिया गया, और यहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ भी आई है, गांव सभा के लोगों को जिनको इनको पता है वो देखने चले आए हैं। चलिए फिलहाल इस सांप के बारे में सारी विशेषता मोहित सर से जानते हैं, और ऐसा स्टंट जिस तरीके से मोहित सर कर रहे हैं बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर अगर आपको जान गंवानी है तो कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, सिर्फ एक्सपर्ट के लिए जो सांप को रेस्क्यू करते हैं उनके लिए है, उनको कई सालों का अनुभव रहता है, प्रशिक्षण रहता है, तो वो ये सब करते हैं। तो चलिए इस सांप के बारे में पूरी विशेषता मोहित सर से जानते हैं, और फिर इस सांप को ले चल के जंगल में छोड़ा जाएगा। ये दोस्तों इसी सांप को यहाँ की लोकल भाषा में गेहुअन, हिंदी में भारतीय नाग, इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, साइंस में इसे नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो जहर है न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर है, वो किसी इंसान के या किसी जानवर के शरीर में वो जहर जब इंजेक्ट होता है तो उसका नाड़ी तंत्र काम करना बंद कर देता है। तो 45 से 50 मिनट के अंदर अगर सही टाइम पे उपचार और ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं होता दोस्तों, इंसान केवल मर जाता है और जानवर मर जाता है। तो कभी भी ऐसा सर्प दिखता है तो उसे छेड़छाड़ ना करें, उसे उचित दूरी बनाए, और तुरंत किसी भी स्नेक रेस्क्यूअर को फ़ोन करें। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पे आप कॉल कर सकते हैं, गोरखपुर जिला से हैं तो तुरंत कॉल करें, मौके पे हमारी टीम पहुंच के सांप को रेस्क्यू करके उसके अनुकूलित वातावरण में ले जाके छोड़ देगी। और देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा मतलब ऐसी जगह पे था कि कोई इसके बारे में समझ भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वहीं पर गाय को बांधा जाता था और गाय ने इतना प्यारा से बच्चे को जन्म दिया है, तो ये कहीं ना कहीं माँ और बच्चे को दोनों को खतरा था, और इस घर के लोगों को भी बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ऐसे जगह पे लोग गाय को हमेशा बांधने और ले जाने का काम करते थे। तो उनके द्वारा एक प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा ही दिक्कत वाला कंडीशन में मतलब खतरा वाला चीज़ था ये। तो चलिए अब इस सांप को मौके पे जैसे ही सूचना मिली अपन लोग मौके पे पहुँचे, इस सांप को रेस्क्यू करके इसको अनुकूलित वातावरण में ले जाके इस सांप को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पहली बार ऐसा बहुत बुरा लगा, पैक करी। चलिए दोस्तों अब इस सांप को अपन पैक करते हैं, पैक करने के बाद इसके अनुकूलित वातावरण में ले जाके इसको छोड़ दिया जाएगा, ताकि ये बाकी की जिंदगी अच्छे से वहाँ सर्वाइव कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद आप सभी को, और प्लीज़ गाइस दोस्तों वीडियो को मेरा शेयर करो और सपोर्ट करो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक तो ज़रूर कर दो। लाइक किया मैंने बात।